नमस्कार, आप देख रहे हैं News4Nation और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार राजद की तरफ से जब से ये खुला ऑफर दिया गया है कि वो जदयू के समर्थन में उतरेगी, जदयू का साथ देगी, और जब से जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को ये बात कह दी है कि मुख्यमंत्री जी आप आगे कदम बढ़ाइए, राजद आपके साथ है, तब से बिहार की राजनीति में भूचाल मचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जदयू इस बात से खुश भी नजर आ रही है। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर राजद अपना समर्थन जदयू के सामने जता रही है। राजद का यह कहना है कि वो विधानसभा के बाहर और अंदर जदयू का समर्थन करेगी इस दोनों मुद्दे पर। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन दो मुद्दों पर मुलाकात की है, चर्चा की है, उन दोनों के बीच गहन विचार विमर्श भी हुआ है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि पिछले साल बिहार की जो पार्टियां हैं वो मिलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दिल्ली गए थे, जहां पर विशेष राज्य के दर्जे और जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा हुई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन फिर ये साफ कर दिया गया कि केंद्र सरकार बिहार में जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ये दबाव डाला जा रहा था। उनसे ये कहा जा रहा था कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जातिगत जनगणना करवाए, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में 52% गरीबों की आबादी है, इसीलिए यहां पर जातिगत जनगणना करवाना एक अहम मुद्दा है। इसको लेकर अब फिर से एक बार सियासी बवाल शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि वो जदयू के साथ है, जदयू के समर्थन में है, और जदयू के फैसले से उन्हें किसी भी बात का कोई एतराज नहीं है, वो जदयू के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार है। तो वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया है और कहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि राजद जदयू के साथ आ जाए और जदयू के पक्ष में समर्थन जारी करे। राजद हमेशा विपक्ष दल बनकर मजबूती से इस सरकार के सामने खड़ा रहेगा और राजद की तरफ से कोई भी कदम जदयू के रुझान की तरफ नहीं लिया जाएगा। ऐसे में ये असंभव है कि राजद जदयू को सपोर्ट करे और राजद जदयू के खेमे में जा मिले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात को पूरी तरीके से जनता के सामने साफ साफ कह दिया है और यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को लेकर भले ही राजद उनका साथ दे, उनके समर्थन में रहे, क्योंकि जातिगत जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा बिहार के ये दो जो मुद्दे हैं वो बेहद अहम हैं और बिहार में इन दोनों मुद्दों पर जल्द से जल्द निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसका ज्यादा से ज्यादा दबाव लगातार राजद की तरफ से डाला जा रहा है। राजद ये चाहती है कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जाए। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है, लेकिन अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने यह साफ कह दिया है कि राजद और जदयू की राहें बिल्कुल अलग है, जो कि कभी मिल नहीं सकती है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पर गुस्सा भी जताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से डरते हैं, इसीलिए वो कोई निर्णय लेने में असमर्थ है। ये कैसे मुख्यमंत्री है जो कि अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकते, जातिगत जनगणना के निर्णय को लेने के लिए इन्हें इतना समय लग रहा है, आखिर बार बार सर्वदलीय बैठकें भी क्यों कराई जा रही है, इसकी जरूरत क्या है। ऐसे में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जहां लोगों को ये लग रहा था कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, राजनीति में एक भूचाल आएगा और शायद इस बार के खरमास के बाद पूरी की पूरी जो स्थिति है, जो समीकरण है, वो बिहार में पलट जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात को साफ कह दिया है कि ऐसा
कभी नहीं हो सकता कि राजद जदयू के सामने झुक जाए। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों मृत्युंजय तिवारी ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात भी की, जिसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने यह साफ कह दिया कि उनकी जो मुलाकात थी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर वो बिल्कुल निजी है। तो बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं और जो भी दल है, वो इस बातों को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, समीकरण को बैठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ये भाजपा और राजद के बीच में मुलाकातें क्यों हो रही है, राजद और जदयू के बीच में मुलाकातें हो रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है और आखिर आने वाले समय में बिहार के राजनीति के अंदर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है, जहां एक तरफ जगदानंद सिंह ने अपना सपोर्ट जाहिर किया है, अपना समर्थन जारी किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उनके परे हटकर तेजस्वी यादव इसके पूरे खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और भी ज्यादा क्या कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4नेशन में। नमस्कार।